नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। देश के आम बजट की तारीख आ गई है। चंद घंटों में नई सरकार का पहला बजट पेश होगा, लेकिन ये सिर्फ एक बजट ना होकर सरकार के आने वाले पांच सालों का विजन डॉक्यूमेंट भी होगा, जिसमें सभी को खुश करने की कोशिश तो होगी ही, साथ ही चुनौतियों से भी निपटने का खाका होगा। आखिरकार ये बजट कैसा हो सकता है और किस तरह की चीजों को इसमें रखा जा सकता है, पहले वो रिपोर्ट के जरिए आप समझिए, उसके बाद जब वापस लौटेंगे तो कुछ खास मेहमानों पर इसी पर करेंगे चर्चा। आम बजट यानी देश की आम जनता के लिए सरकार की योजनाओं और वादों का पिटारा। आने वाले साल में सरकार लोगों को क्या सहूलियत देने वाली है और देश के विकास का उसका रोडमैप क्या है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार सत्ता पर आसीन हो गई और अब मौका इस नई सरकार के बजट का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार सातवीं बार बजट पेश करेंगे, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी बात यह होगी कि आम बजट में आम और खास सबके लिए सरकार के पिटारे से क्या निकलेगा। वैसे देखा जाए तो इस बजट में लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों की झलक दिख सकती है, जिसे मोदी की गारंटी कहकर प्रचारित किया गया था, जैसे कि करोड़ों का परिवारों को पीएम आवास, बुजुर्गों को मुफ्त इलाज, सोलर पैनल के लिए सब्सिडी, स्टार्टअप को मदद। यानी बजट में इन मोर्चों पर घोषणा के पूरे आसार हैं। इसके अलावा बजट में मुख्य बिंदु जिन पर फोकस देखने को मिल सकता है, पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाई जा सकती है, ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना को लेकर ऐलान हो सकता है, महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर फोकस हो सकता है। साथ ही नई कर प्रणाली में आयकर छूट स्लैब की सीमा 5 लाख तक की जा सकती है। मनरेगा के कार्य दिवस बढ़ाने की संभावना है। आम चुनाव समाप्त हो चुका है, आने वाले महीनों में कोई बड़ा चुनाव नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र को ही बड़ा चुनावी राज्य कहा जा सकता है। ऐसे में बजट में लोक लुभावन घोषणाओं की गुंजाइश कमी नजर आती है, लेकिन जरूर हो सकता है कि चुनावी राज्यों को कुछ खास तरजीह बजट में देखने को मिले। फिलहाल ये तो मंगलवार सुबह 11 बजे ही पता चलेगा कि बजट में किसको क्या मिलता है और किसका हाथ खाली रहता है। टीम न्यूज स्टे। तो देखिए, बहुत सारी उम्मीदें हैं और अभी क्योंकि पहला बजट है तो यहां से एक छाप भी छोड़ना चाहेगी सरकार। लेकिन चर्चा से पहले आपको लोगों की राय जाननी भी जरूरी है कि बजट से लोगों को क्या उम्मीद है, एक बार आम लोगों को भी सुन लेते हैं। टैक्सेशन में लाभ मिले, ईएमआई कम हो, इसके अलावा जो सबसे बड़ी जरूरत है देश की, रोजगार, वो अधिक से अधिक सृजन हो, इसकी उम्मीद लगाकर देश की जनता लगी हुई है। देखिए, बजट जो आने वाला है आम बजट, उससे काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि सबसे बड़ा साधन अगर कहें तो रेल साधन है, और जिस तरीके से एकाएक जो बड़ी संख्या में जो ट्रेनें रद्द की गई है उसको सुचारू रूप से पटरी पर लाना चाहिए। जी, केंद्र सरकार का बजट आने वाला है और इस बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार अपनी सरकार चला रही है, तो इस बार हमको बहुत ही ज्यादा पूरे देश भर के जनता को उम्मीद है कि इस बार रोजगार ज्यादा से ज्यादा सृजित करेंगे सभी राज्यों में, खासकर हमारे छत्तीसगढ़ में। आम जनता को तो महंगाई से राहत मिलनी चाहिए। जो ये सरकार जो है, ये जो बजट आ रही है, उनमें कमी होनी चाहिए, टैक्स कम होना चाहिए और आम जनता को इसमें राहत मिलनी चाहिए। सरकार से ये हमारी उम्मीद है। इस बजट से हमारी उम्मीद यही है कि टैक्स इंसेंटिव बढ़ाया जाएगा रियल एस्टेट सेक्टर्स में। दूसरा है, होम लोन में जो ब्याज दरों में कटौती है वो किया जाना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उस सेगमेंट में आके अपना खुद का मकान खरीद सके। तो आम लोगों की राय आपने सुनी, अब एक्सपर्ट से बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर एडी वाजपेयी जी हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। आशीष वैश्य जी हैं, चेयरमैन हैं सीआईआई के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और प्रोफेसर एस के मिश्रा जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सत्यप्रकाश जी, देखिए स्थितियां बदली हुई हैं थोड़ी, सरकार इस बार एनडीए की है और वादे बहुत सारे हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर को लेकर हों, जिसमें ये कहा गया कि आयुष्मान का हम विस्तार करेंगे, किसान भी टकटकी लगाए बैठे हैं कि 6,000 से कुछ उनको बढ़कर मिले। अब दूसरी बात, बुजुर्गों को ऐलान किया गया कि उनको भी मुफ्त इलाज दिया जाएगा, लखपति दीदी बनाने का वादा है, फ्री राशन देना ही है, और इसके अलावा
आगे विकास का खाका खींचना है, 5 ट्रिलियन तक इकोनॉमी लेकर जानी है, तो किस तरह से उम्मीद कर रहे हैं इस बजट से? देखिए, इस बजट में जो मुख्य फोकस दिखेगा, जो आपने लास्ट में बोला है कि देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक ले जाने के लिए, तो इसके लिए फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट, इस पर सरकार का दिखेगा। साथ ही इंडिविजुअल बेनिफिशियरी स्कीम्स, जिससे कहीं ना कहीं जो आने वाले कुछ राज्यों में चुनाव है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, इनमें उसको फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिले, क्योंकि वहां डायरेक्ट फाइट में भारतीय जनता पार्टी है। एक चीज, दूसरी चीज आपको बताऊं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इस पर बजट में कुछ चीजें देखने को मिलेगी, लेकिन साथ ही जो गरीब तबके के लोग हैं उनको तो राहत कहीं ना कहीं इंडिविजुअल बेनिफिशियरी स्कीम से मिल जाएगी, लेकिन मिडिल क्लास को कैसी मिलेगी? तो कहीं ना कहीं जो टैक्स स्लैब है उसमें भी कुछ राहत देने का प्रयास शायद सरकार करे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण है, जैसा कि इलेक्शन में कहा गया है, विकसित भारत का संकल्प, यानी विकसित भारत में तो सभी आएंगे, युवा, किसान, महिलाएं, और उनकी गारंटी, रोजगार की गारंटी, यानी कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो रोजगार की अपॉर्चुनिटीज देश के अंदर बढ़ेंगी, क्योंकि सरकारों पर इतनी ताकत नहीं है कि पूरी जनता को या देश को, युवाओं को वो सरकारी नौकरियां दे सके। तो मेरा मानना है कि देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाने पर फोकस इसमें इन माध्यमों से देखने को मिलेगा। लेकिन चैलेंजेस होंगे कि इस बार एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है, तो कुछ जो उनके घटक दल हैं उनको भी महत्व देते हुए या उनकी डिमांड्स को मानते हुए इस बजट में वो चीज देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। और अगर हम बात करें प्रोफेसर एडी वाजपेयी जी, जो एक्सपोर्ट्स हमारे हैं, जो ग्लोबल स्थितियां हैं, उसको लेकर आर्थिक सर्वे में थोड़ी चिंताएं जाहिर की गई हैं, तो आज का जो आर्थिक सर्वे पेश किया गया, इससे हमें कल की क्या तस्वीर मिलती है बजट को लेकर? देखिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, विशेषकर एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजी पहले से बनाई है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये वैकेंसी बताऊंगा एक्सपोर्ट पहली बार गवर्नमेंट के माध्यम से हुआ है। इम्पोर्ट ही करते रहे हैं डिफेंस प्रोडक्ट्स पर, एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, तो मुझे लगता है एक इन क्वालिटी हमारे जो एक्सपोर्ट्स डाउन हुए, स्पेशली मसाले वगैरह थे, उस पर भी चिंता की एक्सपोर्ट है, उनकी हम क्वालिटी मेंटेन कर करके हासिल करेंगे। लेकिन एक बजट में एक्सपोर्ट से एक छोटा सा हिस्सा होगा, ठीक, थोड़ा ऑडियो में भी प्रॉब्लम आ रहा है सर। मैं अभी ये एसके मिश्रा जी से सवाल पूछता हूँ सर। देश में जो ग्रोथ है वो करीब 7% के आसपास आंकी गई है, रोजगार की स्थिति थोड़ी बेहतर बताई गई है, ओवरऑल आप इस वक्त भारत की इकोनॉमी की सेहत किस तरीके से देख रहे हैं सर? एसके जी, एक्चुअली जो आज का इकोनॉमिक सर्वे आया है, इसमें आरबीआई का जो एक फोरकास्ट थी कि 7.2% ग्रोथ रेट रही है, वो 6.5 के से 7 के बीच है, करीब करीब उसी के उससे थोड़ी से कम है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो बताया था उसके करीब करीब बराबर है। तो इसमें ग्रोथ के फोरकास्ट में 3-4 सालों में कहीं से कोई गिरावट नहीं आई है, लेकिन सरकार के सामने जो मुख्य चुनौती है वो है बेरोजगारी का, वो है महंगाई का, और वो है जो इनकम डिस्पेरिटी बढ़ती जा रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। तो अभी आप देखिएगा इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने ये कहा है कि हमको 78 लाख रोजगार 2030 तक हर साल क्रिएट करने होंगे नॉन फार्म सेक्टर पे, तब हम भारत दुनिया को जो 2047 का विकसित भारत का सपना देख रहे हैं वहां ले जाए पर। तो रोजगार तो चुनौती यही है, साथ ही सरकार ने रीओरिएंट किया, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे जो होता है बजट का एक तरह से उसका एक ब्लूप्रिंट रहता है कि आगे सरकार बजट में क्या होने वाला है उसको दिखाया है, और उसमें सरकार ने बताया है कि जो हमारा डेवलपमेंट का वो है कि हम इंडस्ट्री पर ज्यादा जोर दें, ट्रेड पर ज्यादा जोर दें, इस बार सरकार नोट करके आ रही है कि हमको एग्रीकल्चर को भी उतना ही महत्व देता है, और खासकर एग्रीकल्चर में जैसे तिलहन के क्षेत्र में, दलहन के क्षेत्र में, जहां भारत को बहुत ज्यादा ये इम्पोर्ट भी करना पड़ता है, जिसमें रोजगार की संभावनाएं भी हैं, और साथ ही साथ सरकार का ये भी प्रयास है कि जो जो मोटे अनाज हैं
जिसके कारण सरकार ने उसको हेल्थ सेक्टर से जोड़ा है कि लगभग देश में 54-55% जो बीमारी होती है वो डाइटरी बीमारियां हैं। तो अगर हम डाइट के सिस्टम को कर दें, हम दलहन को अच्छे से कर सके, हम मोटे अनाज को अच्छे ढंग से लोगों को उपलब्ध करा सके, तो जो आधी आधी जो हेल्थ की जो बीमारियां हैं और उसे देश को निजात मिलता। तो एक तरफ हेल्थ सेक्टर को रहेगा, दूसरी चीज एक तो सरकार को एग्रीकल्चर पे जो वो करना है, साथ ही जो टेक्नोलॉजी के उभरते क्षेत्र हैं उस पर भी बहुत ज्यादा जोर देना है। तो एआई सेक्टर पर, उन सब पर भी सरकार का, टेक्नोलॉजी के सेक्टर पर निश्चित रूप से फोकस रहेगा। ये इकोनॉमिक सर्वे से बिल्कुल स्पष्ट है कि एक तरफ वो एग्रीकल्चर को जोर दे रही है, दूसरी तरफ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और इनके ऊपर ज्यादा जोर दे जा रहा है, और जो कैपेक्स और ये जो सरकार के सपोर्ट के कैपिटल फॉर्मेशन के जो तरीके हैं उस पर, तो चूंकि कैपेक्स का मेथड बहुत सक्सेसफुल रहा है तो सरकार इस बार उसको कंटिन्यू करेगी, क्योंकि सरकार को ग्रोथ रेट का जो हाई लेवल है उसको भी बराबर मेंटेन रखना है। आशीष जी, इंडस्ट्री के लिहाज से देखें तो क्या उम्मीद इस बार की जा रही है इस बजट से? देखिए, पहली बात तो हम एक बहुत अच्छी स्थिति में आज बजट बना रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी बात, इस समय सरकार पर कोई चुनावी दबाव नहीं है बजट बनाते समय, क्योंकि अब कोई भी चुनाव काफी कुछ सालों तक नहीं है, तो जो एक लोक लुभावन चीजें होती हैं जो कि इकोनॉमी को पीछे ले जाती है वो चीजें अभी नहीं है, तो सरकार फ्रंट फुट पे खुल के खेल सकती है इस बजट में। अब इंडस्ट्री के जो दो तीन पेन पॉइंट्स हैं जो इंडस्ट्री अपेक्षा कर रही है जी। हम जीएसटी ले आए, बहुत अच्छा है, काफी अच्छा चल रहा है, उससे टैक्स कलेक्शन भी गवर्नमेंट का रेगुलर बढ़ता जा रहा है, पर तीन सेक्टर जिसमें सबसे ज्यादा आवश्यकता जीएसटी को लाने की है, पेट्रोलियम, रियल स्टेट और इलेक्ट्रिसिटी, ये तीन क्षेत्र अभी भी जीएसटी में शामिल नहीं है। इनको जीएसटी में शामिल करना सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है उद्योगों के लिहाज से, क्योंकि जैसा अभी आपके सामने चर्चा चल रही थी। बट सर, ये प्रैक्टिकली सरकार इस पर काम कर सकती है क्या? क्योंकि फिर तो रेट ऐसा कहा जा रहा है बहुत गिर सकते हैं, या तो सरकार कोई अलग से स्लैब लेकर आएगी पेट्रोलियम या लेकर। वो तो सरकार के हाथ में है ना स्लैब लाना। जब जीएसटी में 250-300 अमेंडमेंट आ चुके हैं तो एक अमेंडमेंट और आ जाएगा, उसमें कोई सरकार का बहुत बड़ा कार्य नहीं करना है। पर अगर ये आएगा तो इससे सरकार को भी फायदा होगा, इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, और अगर हम इंटरनेशनल नॉर्म्स को हर जगह फॉलो कर रहे हैं जीएसटी में, चाहे एचएसएम कोड हो चाहे कोई भी चीज हो, तो ये जो एचएसएम कोड ऑलरेडी बने हुए हैं, और इससे क्या होगा कि प्रदेश में और देश में समानता क्रिएट होगी। आज अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 10 रुपए लीटर ऊपर है पेट्रोल, बिल्कुल यूपी में 10 रुपए लीटर कम है, तो उद्योग मध्य प्रदेश की बजाय उत्तर प्रदेश में जाता है, भरी बात उसे नेगेटिव पॉइंट हो, एक ट्रक वाला यूपी में पेट्रोल भरवा के मध्य प्रदेश के अंदर आता है, तो एक देश एक सरकार एक विधान के हिसाब से ये चीज उचित नहीं है। तो इसके लिए हमको तुरंत कार्यवाही करने के लिए इंडस्ट्री डिमांड करती है, और सीआईआई ने ये डिमांड की भी है उद्योग मंत्री, रक्षा वित्त मंत्री के साथ। ठीक है सत्यप्रकाश जी, एक चीज बताइए, इसमें दो राज्यों की बड़ा जिक्र हो रहा है, एक तो बिहार एक आंध्र प्रदेश, और ये कहा जा रहा है कि यहां पर ये चाहेंगे कि वो जो स्पेशल दर्जा है इनको मिले। अब सरकार क्या अपने अलायंस को खुश करने के लिए कुछ इन दो राज्यों के लिए बड़े ऐलान कर सकती है, क्योंकि दोनों की पुरानी मांग रही है, और खासकर आंध्र प्रदेश, वहां पर उन्हें अपनी कैपिटल अभी करनी है, चंद्रबाबू नायडू के कुछ एम्बिशन है वहां पर, बिना केंद्र के वो कैसे पूरे होंगे, तो ये कितना मुश्किल है कि इन दोनों अलायंस को भी साधा जाए बजट के जरिए? इस जो करंट गवर्नमेंट है सेंटर की, उसका आधार ही यही दो पॉलिटिकल आउटफिट है, तो ये तो निश्चित देखिएगा, भले ही उनकी डिमांड स्पेशल स्टेट का कैडर मांगने की है, स्टेटस मांगने की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लेट गवर्नमेंट हमेशा ये कह चुकी है, रिपीटेडली इस चीज को कह रही है कि वो ये चीज नहीं देंगे, क्योंकि ये पुराने समय की बात थी। लेकिन इस बजट में उनको खुश करने के लिए कुछ स्पेशल पैकेजेस या कुछ बड़ी राहतें इन स्टेट्स को या वहां के डेवलपमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर दूसरे किस्म के हो, उनको दी जा सकती हैं। देखिए, एक चीज जरूर है कि एग्रीकल्चर चैलेंज सरकार के सामने, फार्मर्स, सरकार ये कहती रही है कि 2022 तक हम फार्मर्स की इनकम को डबल कर देंगे, क्या इस बजट में वो सब चीजें आएंगी? क्योंकि आने वाले समय में उस किसानों को आंदोलन भी फेस करने की स्थिति बन सकती है, तो हो सकता है कि बजट में कुछ राहत है,
भले ही आप जानते हैं कि जो किसानों के ऋण की जो माफी का मामला है वो इस सरकार ये नहीं ला सकती, क्योंकि ये अपोजिशन पार्टीज का स्टैंड है, इसलिए वो दूसरे रूप में हो सकता है कि उनको जो सब्सिडी दी जाती है उसमें कुछ राहत दी जाए, या जो पैसा डायरेक्ट दिया जाता है उनके बेनिफिट के लिए उसमें कुछ बढ़ोतरी की जाए, तो इस सेक्टर पर भी फोकस रहेगा। लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार देना है, जिसको पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने फेस भी किया, यानी कि और बेरोजगारी, ये दो बड़े कारण रहे। हालांकि उसके पीछे कुछ रीजनल फैक्टर भी हैं, और दूसरे क्या है कि कम्युनल फैक्टर के कारण जो रेस अपोजिशन पार्टी ने किए हैं इस सरकार के अगेंस्ट, उसका भी नुकसान उसको देखना पड़ा। लेकिन इसकी भरपाई करने के लिए आपको इन चीजों में, आप देखिएगा कि बजट में कुछ ऐसी चीजें दिखेंगी जिससे युवा, किसान, महिलाओं के लिए हालांकि पहले से ही सरकार काफी कुछ कर रही है, उसको भी आगे बढ़ाएगी। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो हेल्थ सेक्टर में कुछ बड़े रिफॉर्म्स लाने की बात कही है, वो भी इस बजट में देखने को मिल सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि सबसे महत्वपूर्ण जो फोकस होगा वो 2025 तक देश की इकोनॉमी 3.6 से पहुंचाकर अगर $5 trillion बना दी जाने का प्लान बीजेपी का है, उस पर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री लाने का, इन्वेस्टमेंट लाने का, जिससे सभी समस्याओं का समाधान। वो फोकस तो अभी हमने देखा था मध्य प्रदेश का, जब बजट आया तो उसमें भी विशेष तौर पर ये कहा गया कि अब राज्य भी उसमें भूमिका निभाएं ताकि उस इकोनॉमी को हम बढ़ा सकें, अपने बजट का आकार बढ़ाएं। तो जाहिर तौर पर शायद वो जो 5 trillion का सपना है उसको पूरा करने के लिए सरकार आगे बढ़ती हुई दिखेगी। लेकिन एस के मिश्रा जी, देखिए जो मिडिल क्लास है वो तो ये चाहता है कि हमें टैक्स में क्या छूट मिलेगी। अब एक तरफ बेनिफिशियरी योजनाएं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं कि किसानों को पैसे देने हैं, क्या उसको बढ़ाया जा सकता है, महिलाओं को सरकार कह रही है लखपति दीदी बनाने का चुनावी वादा है, राशन देने का वादा है, अब इन सब चीजों के लिए क्योंकि अब चुनाव का प्रेशर नहीं है जैसा आशीष जी ने भी कहा, तो क्या कोई उम्मीद यहाँ पर मिडिल क्लास करे कि उसको किसी तरह की कोई छूट मिलती दिख सकती है, यहाँ पर कोई टैक्स में रियायत दे सकती है सरकार? देखिए सरकार की जो इस समय जो स्थिति है, सरकार अभी ये कहें कि प्रेशर नहीं है, सरकार के ऊपर प्रेशर तो रहेगा और चुनाव तो बराबर आते रहते हैं सर, वो प्रेशर कम नहीं होने वाला है। रही बात ये है कि जो ये कहा गया भाई इनको देना है, उसको सब पार्टियां अपने अपने नजरिए से देखती हैं, उनको ये लगता है कि सामाजिक कल्याण का और एक सामाजिक उसको लोक लुभावन के रूप में वो कहती नहीं है, भले भी उसको हम लोग मानते हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि हमको इन सब चीज़ों को जो कमजोर वर्ग है, जो कमजोर तबका है, उसको डायरेक्ट बेनिफिट पहुँचाने के लिए सब किया जाता है। रही बात मध्य वर्ग की, निश्चित रूप से डिमांड बहुत दिन से है, क्योंकि इस समय डिमांड की क्राइसिस भी थोड़ी सी हो रही है। अगर निम्न मध्यम वर्ग को थोड़ा बहुत टैक्स के माध्यम से इंसेंटिव दिया जाता है तो निश्चित रूप से इससे डिमांड भी बढ़ेगी और इससे देश का जो ग्रोथ सिनेरियो और बढ़ेगा। लेकिन हम एक दूसरी बात कहना चाह रहे हैं, सरकार की जो प्रायोरिटी है वो है, सरकार इस समय जो मॉनेटरी पॉलिसी है बहुत ज्यादा उसका उसमें रोल नहीं रहता, वो बैंक उसको अपने इंटरेस्ट रेट और जो तरीके हो से तुरंत उसका इम्पैक्ट आता है। लेकिन जो सरकार की फिस्कल पॉलिसी है और उसमें भी जो आप देखिएगा, अभी हमारे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि GST में लग गया, सरकार की कमजोरी ही इसीलिए आ रही है, और जब महंगाई और बेरोजगारी और जो इनकम डिस्पैरिटी बढ़ रही है, सरकार का ज्यादातर फोकस इनडायरेक्ट टैक्स पे है, उस पर GST पर बहुत ज्यादा रिसोर्स इकट्ठा करने पर वो है। और आप जब भी किसी भी सरकार का जोर इनडायरेक्ट टैक्सेशन पर ज्यादा होता है और तो उस समय इनकम डिस्पैरिटी बढ़ती है, क्योंकि जो कमजोर तबका है उसको उसके ऊपर उसका बर्डन ज्यादा पड़ता है, और जो अपेक्षाकृत रिच तबका है उसके ऊपर जोर कम करता है। सरकार को अपना अपनी प्रायोरिटीज थोड़ी सेट करनी पड़ेगी कि इनडायरेक्ट टैक्स को थोड़ा सा ज्यादा महत्व देना पड़ेगा, और जो डायरेक्ट टैक्स को और इनडायरेक्ट टैक्स पर जो GST पर इतना ज्यादा सरकार जोर दे रही है, और उसमें खासकर एसेंशियल चीजों पर जो GST तमाम लगाए हुए हैं इसके कारण, क्योंकि आप देखिएगा जब माइक्रो मैनेजमेंट अगर गड़बड़ हो जाता है तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप। मैं इसी पर एक सवाल लेता हूँ, वाजपेयी जी हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। वाजपेयी जी देखिए, अभी हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं कि जो खुदरा महंगाई है वो बढ़ती हुई दिखी है, चाहे हम दालों के रेट बात कर लें, अभी तो हाल फिलहाल में सब्जियों के भी बढ़े हैं, अब क्योंकि सिलेंडर थोड़ा सा चुनाव से पहले सस्ता हुआ था तो इकोनॉमिक सर्वे में दिखाया गया कि ईंधन की दर थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन एक तरफ MSP बढ़ाने का दबाव, किसानों को खुश करने का दबाव, दूसरी तरफ महंगाई को कंट्रोल करना, ये कितनी बड़ी चुनौती आपको लगती है सरकार के सामने? सबसे बड़ी दो चीजें जो होंगी वो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन।
आपका जो इलेक्शन में भी इन दोनों मुद्दों का काफी बड़ा योगदान रहा है, तो जैसा कि महंगाई की दर कम हो, थोड़ा प्रॉब्लम है सर नेटवर्क में, ठीक है मैं लौट रहा हूं आपके पास, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। आशीष जी, एक एक चीज जिस पर पिछले कई दिनों से चर्चा हो रही है, क्योंकि उस पर नजर बनी रहती है, शेयर मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है बजट को लेकर, क्या चीजें हैं, लेकिन शेयर मार्केट में जिस तरीके का बुल रन दिखा, जिस तरह से उसमें वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, लोग बहुत सारे युवा आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात की वो लॉसेस में, उसको लेकर पिछले हफ्ते 10 दिन से चर्चा है कि कैसे कंट्रोल किया जाए इस चीज को, और कुछ नियम कायदों की बात कही जा रही है, क्या आपको लगता है कि उस बाजार को भी थोड़ा संतुलित करने के लिए कदम कुछ सरकार उठा सकती है, खासकर जो युवा लॉसेस अपने ले रहे हैं उसको लेकर कुछ नियम कायदे, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि 30% तक का टैक्स लगा सकती है सरकार, हालांकि क्या वो उतना व्यवहारिक है उसका, क्योंकि विरोध भी देखने को मिला। देखिए मैं आपको बताऊं, जो शेयर मार्केट है वो एक ट्रू बैरोमीटर नहीं होता है किसी भी इकोनॉमी का, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक पुरानी कहावत है कि बॉम्बे में किसी व्यापारी को छींक आ जाती है तो शेयर मार्केट गिर जाता है, और उसकी सर्दी ठीक हो जाती है तो शेयर मार्केट बढ़ जाता है। तो शेयर मार्केट को हम इकोनॉमी का बैरोमीटर नहीं मान सकते हैं। हम अगर इकोनॉमी की बात करें तो आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा। मैं एक यूनाइटेड स्टेट्स के एक मिनिस्टर से मिला था अभी कुछ दिनों पहले, उन्होंने मेरे को बोला था कि इंडियन इकोनॉमी अब स्नोबॉल इफेक्ट में आ चुकी है। स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अब ये बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे रोल आउट होगी इसका साइज बढ़ता जाएगा। हम जो $5 trillion इकोनॉमी की बार बार बात कर रहे हैं, मेरे को लगता है वो चर्चा का कोई मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि $5 trillion इकोनॉमी तो होनी ही है। जो ग्रोथ रेट हम मेंटेन किए हुए हैं और ग्रोथ रेट के साथ एक मोमेंटम भी मेंटेन किए हुए हैं, सवाल ये है कि उस इकोनॉमी को हमको जो 2047 तक विकसित भारत बनाना है और जिस लेवल पे हमें ले जाना है, मैं बजट को उस ब्लू प्रिंट की तरह देख रहा हूँ, और मेरे को लगता है 2 या 3 चीजें जो मेरे को बजट में अपेक्षा और आएंगी, जो मेरे को पूरी संभावना है। हमने कहा ग्रामीण कृषि कमाई बढ़ाने की, सर आवश्यकता कृषि में कमाई बढ़ाने की नहीं है, हमें आवश्यकता गांवों के अंदर गैर कृषि आधारित नौकरियों को बढ़ाने की है। हमारे गांव में सारी नौकरियां कृषि आधारित है, जमीन उतनी है, लोग ज्यादा है, तो हमको गैर कृषि आधारित रोजगारों का सृजन करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए रेशम का कीड़े का पालन है, मधुमक्खी का बी पालन है, दुग्ध उत्पादन है, ग्रामीण में जो पहले सरसों के एक्सपेलर हुआ करते थे, जो सेमी फूड प्रोसेसिंग है, उन पे हमें जोर लगाना पड़ेगा, जो इस बजट में मैं पूरी तरह उम्मीद कर रहा हूं कि आएगा। इसके अलावा 2 चीज जो बहुत ज्यादा मुझे लगता है, एक तो स्वास्थ्य और शिक्षा, इन दो पे मुझे उम्मीद है कि 3% तक GDP का खर्चा सरकार ले जा सकती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इन दो सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। स्वस्थ और शिक्षित भारत ही विकसित भारत बन सकता है, तो हमको भारत को स्वस्थ भी करना है और शिक्षित भी करना है। एक एक छोटा सा मैं पॉइंट ले लेता हूं सर, मेरे पास समय कम है। क्या जो टैक्सेस की हम बात करते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, खासकर अगर इनकम टैक्स को उसमें जोड़ के, अगर इसमें थोड़ा सरकार छूट देती है, तो क्या जो ज्यादा लोग हैं वो इस सिस्टम के अंदर आ सकते हैं इनकम टैक्स के अंदर, क्योंकि कई देश जो टैक्स हेवन है वो भी अच्छी इकोनॉमी है आज की डेट में, वहां पर आपको लगता है ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आती है, जो टैक्स चोरी की घटनाएं हैं वो रुकती हैं? सर अगर हम टैक्स में छूट देते हैं ना, तो इससे सबसे ज्यादा फायदा सरकार को ही होता है, क्योंकि जिसका टैक्स बचता है उसमें डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, और जब वो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो वो बढ़ के सिस्टम के अंदर ही आती है, वो सिस्टम के बाहर नहीं जाती है। अब वो जमाना गया जब आदमी पर जो बचत होती थी वो बैंक में जमा कर देता था या सोने के रूप में तिजोरी में इकट्ठा कर लेता था। अब आदमी पर एक्स्ट्रा इनकम होती है तो वो उसको खर्च करता है, उसको सिस्टम में लेके आता है। तो अगर सरकार टैक्स कम करेगी तो लोगों का इनकम बढ़ेगा, इनकम टैक्स का नेट बढ़ेगा, जो देश की बहुत कम पॉपुलेशन इनकम टैक्स नेट में है वो ईमानदारी के साथ टैक्स के अंदर आएगी, जिस तरह की पैरेलल इकोनॉमी। सर अब कल का इंतजार है हमें, तो थोड़ा समय कम है इसलिए मैं रुक रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने अपने पॉइंट्स रखे, और उम्मीद है कि जिन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं इनमें से तमाम चीजें पूरी होती नहीं, क्योंकि बजट से उम्मीदें सबको रहती हैं।